हेलो, वेलकम टू सक्सेस लाइब्रेरी एंड सक्सेस कम्पिटेटिव एकेडमी। यहाँ पे आज हर वीकली एक एसएससी सीएचएसएल और एसएससी सीजीएल का टेस्ट पेपर का ऑर्गेनाइजेशन किया गया है। हर संडे को पेपर एक अपलोड कर दी जाएगी हर संडे को पेपर अपलोड कर दी जाएगी और उसका सॉल्यूशन वेडनेसडे से पहले अपलोड कर दिया जाएगा वेबसाइट पे, यूट्यूब के लिंक पे। और आप लोग यहाँ से अगर पेपर देखना चाहते हैं तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में इसका पीडीएफ मिल जाएगा। आप आगे वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर लें, टेस्ट दे दें, फिर उसके बाद सॉल्यूशन को अच्छे से प्रॉपरली शुरू से लास्ट तक जीआई, जीके, मैथ, इंग्लिश चारों पोर्शन का अलग अलग इसका सॉल्यूशन यहाँ पे मिल जाएगा। आप यहाँ से उसका सॉल्यूशन ले सकते हैं। तो हम टाइम वेस्ट किए बिना ही हम लोग यहाँ से सॉल्यूशन का स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ पी एंड क्यू। पी और क्यू का प्रेजेंट एज का रेशियो है 9:4, और इस दोनों का रेशियो का मतलब उस दोनों पर्सन ए पी और क्यू के दोनों के एज का डिफरेंस है 20 साल, सिर्फ 20 साल। तो पूछ रहा है कि आप बताइए 10 साल के बाद उसका उम्र का डिफरेंस कितना हो गया, 10 साल के बाद दोनों का सम कितना होगा। तो आगे हम मेरा पी का है 9 और क्यू का है 4 रेशियो में है, तो इस दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, 5, राइट। तो बट ये क्वेश्चन में 5 नहीं है, इसके जगह पे 20 दिया है, 20 दिया है, कितना 20। तो अगर हम इसको 20 करना है तो यहाँ से 4 इसको मल्टीपल करेंगे तो ये 20 हो जाएगा। बट यहाँ 4 को मल्टीपल किए हैं तो इसमें भी 4 को मल्टीपल करना पड़ेगा हम दोनों तरफ। तो इस तरफ हो जाएगा पी का उम्र हो जाएगा 36, 4 9 जा 36, और ये हो जाएगा 4 4 जा 16, यानी पी का एज 36 और क्यू का एज ओनली 16। अब बोला है दोनों को 10 साल बाद, यानी इसमें 10 साल बाद इसका हो जाएगा एज 46 और इसका हो जाएगा 26। दोनों का अब सम पूछेगा, अब टोटल पूछा है क्या, सम 10 साल बाद का सम, 10 साल बाद तो हम ले दिए, फिर उसका सम पूछा है। तो दोनों का अगर सम करते हैं तो आता है मेरा 72, यानी 72 इज माई राइट आंसर, सी नंबर इज माई करेक्ट आंसर, इजी। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कुछ अलग था। दूसरा क्वेश्चन में पूछा था कि बताइए टेंशन, एप्टीट्यूड, कैप्टन, ट्रॉपिकल, स्वीप, अगला वर्ड क्या होगा। इस पे एक पार्टिकुलर एक वर्ड देखते हैं, वर्ड नहीं लेटर देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पी, यहाँ पे एक पी है फर्स्ट पोजीशन पे, सेकंड पोजीशन पे पी है, थर्ड पोजीशन पे पी है, फोर्थ पोजीशन पे पी है, फिफ्थ पोजीशन पे पी है, अगला वाला क्या होगा, सिक्स्थ पोजीशन पे होगा, सिंपल। तो यहाँ पी है फर्स्ट पे है, ये 2-3 पे है, ये फोर्थ पे है, ये है सिक्स पे, यानी मेरा डी इज द राइट आंसर, इजी था। ऐसा ही टाइप का क्वेश्चन रहता है, आसान आसान। तीन नंबर देखते हैं, इसमें बोला है कि ए सी ई मतलब ए और है फिर सी फिर ई, ए सी फिर ई, दोनों का देखिए ए सी दोनों के बीच में प्लस 2 है, यानी ए फिर यहाँ पे बी होना चाहिए था बट बी नहीं है, सी है, फिर यहाँ पे डी होना चाहिए था बट ई है, डी नहीं है, तो मेरे एक एक स्किप करके जा रहा है। तो यानी यहाँ पे देखिए ई के बाद ही एफ है, यानी ये क्या ई के बाद एफ, फॉर एफ के एक डिफर करके जी छोड़ के एच है, यानी एक एक स्किप करके आई के बाद जे के बाद डायरेक्ट के आ गया है, तो उसी तरह ओ के बाद डायरेक्ट पी आएगा, एक छोड़ेंगे तो क्यों, क्यों छोड़ के आर होगा, फिर एस छोड़ के टी होगा, मतलब ये मेरा राइट आंसर होगा, राइट, इजी था। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे था 65:82, फिर 145 इज कितना, अच्छा क्वेश्चन था। इसको हम लोग इस तरह देखते हैं, सबका स्क्वायर याद रखना बहुत ज़रूरी है, तो स्क्वायर कम से कम 20 तक का स्क्वायर याद रखिए, इससे आपको फ़ायदा होगा, कहीं ना कहीं ज़रूर फ़ायदा होगा। तो
सबसे फर्स्ट 65 देखते हैं। 65 को क्या किया है, 8 8 64, 8 का स्क्वायर प्लस 1। 82 को क्या किया है, 9 का स्क्वायर प्लस 1। इजी, आसान था। इसी तरह यानी ये 8 है तो ये 9 है, इसका क्या किया है, 145 इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर प्लस 1, राइट। तो ये 12 का है तो इसके बाद वाला क्या होगा, जैसे 8 था तो 9 हुआ है, तो ये 12 था तो यहाँ 13 होगा, राइट। तो यानी यहाँ पे होगा 30 का स्क्वायर प्लस 1, 30 का स्क्वायर कितना होता है, 169 प्लस 1, यानी माई आंसर इज 170। जी अब इसी तरह अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5th क्वेश्चन में क्या है, डब्ल्यू टी क्यू डी जी जे, राइट। तो डब्ल्यू के बाद आपका टी है, टी के बाद क्यू है, डब्ल्यू के बाद टी है, टी के बाद क्यू है, या इस तरह देखिए डब्ल्यू टी क्यू, इस तरह देखने से अच्छा इस तरह से देखिए, कुछ मिले लिंक डब्ल्यू डी टी जी क्यू जे, कुछ मिला नहीं मिला, समझ में नहीं आया, देखते हैं। आपको एक चीज टास्क मिलेगा, वो ये है कि आपको ये सब याद करना पड़ेगा, जैसे ए बी सी डी इस तरह से जो होता है, इस तरह से जो होता है, एच आई आई जे के एल एम एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। यानी इसका समझाने का मेरा तरीका क्या है, इस तरह से हम 13 वर्ड 13 लेटर को हम लोग ऊपर लिखेंगे, 13 लेटर को इन्वर्टेड नीचे लिखेंगे। अब 13 वर्ड में क्या होगा, 13 13 26 हो गया, बट इसका अपोजिट जो होता है, जैसे सामने वाला है एम एन एच एस जे क्यू जी टी जे क्यू के पी एल ओ, इस तरह से आपको पूरा याद कर लेना पड़ेगा एकदम प्रॉपरली तरीका पे। अब कोई पूछेगा बताइए एफ का उल्टा क्या होता है, हाँ तो यू सटाक देना, ऐसा नहीं कहे हाँ कन्फ्यूजन है, ई जे डी डब्ल्यू इस तरह से याद होना चाहिए। तो उसी तरह ये यहाँ पर भी पूछा था डब्ल्यू का डी, डब्ल्यू का डी, तो उसी तरह एन का क्या होगा एम, सिंपल। के की जगह क्या होगा के पी कोलकाता पुलिस, किसी तरह से भी आप याद कीजिए ट्रिक बना के तरीका से कुछ से भी। एच के बाद एच का क्या होगा, एच का एस होगा, एच एस, एच एस का एग्जाम होता है। तो इस तरह से एम पी एस ऑप्शन नंबर ए, ये मेमोरी बेस था, आसान था। अब 6 नंबर सवाल है, बनाना इज अ फ्रूट, तो जिंजर इज अ, जिंजर इज अ, जिंजर इज अ मॉडिफाइड स्ट्रीम, मॉडिफाइड स्ट्रीम, ये क्या है, एक किस्म का मॉडिफाइड स्ट्रीम है, नॉट मॉडिफाइड रूट, ठीक है। तो 7 नंबर सवाल है कि अगर हम प्लस के जगह पे रिप्रेजेंट करेंगे मल्टीपल को, माइनस के जगह पे प्लस को, मल्टीपल के जगह पे डिवाइड को, डिवाइड के जगह माइनस सब्सट्रैक्शन को, तो इसके वैल्यू क्या होगा, ठीक है, इसका वैल्यू क्या होगा। 72 मल्टीपल के जगह पे आपको डिवाइड यूज़ करना है, और माइनस के जगह पे आपको यूज़ करना है प्लस को, प्लस 14, और प्लस के जगह पे आपको करना है 2, ठीक है। तो आगे बोधमास के रूल के नियम, बोधमास सबको पता है, बोधमास, बोधमास क्या होता है, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लीकेशन एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, तो ये तो ऑफ हो गया हटा दो, ब्रैकेट हो गया हटा दो, बच्चा क्या डिवीजन, आगे डिवाइड का काम करते हैं। तो 8 9 72, 8 हो गया, फिर डिवीजन का काम हो गया मल्टीपल, अब इसका क्या करेंगे, मल्टीपल का, मल्टीपल का काम करेंगे तो 14 14 इंटू 2 इज इक्वल टू 28, फिर बचा क्या था, कुछ बचा नहीं मेरा, ना माइनस बचा ना कुछ बचा, तो 82 और 8 इज इक्वल टू 36, वेरी सिंपल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज बी, बैप्टिस्ट बैप्टिज्म का डी सी आर वी के
ये कोड बोल के एक है। तो इस कोड को किस तरह से हम डिकोड करेंगे ये हम बता रहे हैं। जैसे बी के जगह पे आपको डी यूज़ किया है, यहाँ बी है तो यहाँ डी है, ये कैसे, बी के जगह पे डी, बी बीच में एक सी होना चाहिए था, यानी इसके मतलब हम क्या मालूम चला, एक स्केप एक पोजीशन को स्किप करके डायरेक्ट दूसरा पोर्शन पे चला गया, यही तो आपको एक को यहाँ पे स्किप किया है, यहाँ पे वन पोर्शन को स्किप करके आगे चला गया है बी, फिर सी छोड़कर डी, फिर उसी तरह टी नहीं जा, तो उसी तरह टी टी के जगह पे, टी के जगह पे प्लस वन का पोर्शन हम लोग ऐड करेंगे, यानी टी के बाद यू, यू को हम स्किप करेंगे, यू को स्किप करने के बाद हमको जाना पड़ेगा वी के तरफ, यानी मेरा वी होगा आई के जगह पे जे को स्किप करके के होगा और एन को जगह पे ओ को स्किप करके पी होगा, तो मेरा आंसर हो जाएगा ए, वेरी इजी। और 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसमें थोड़ा सा अलग था। 45 कुछ सिंबल दिया है, कुछ सिंबल है, सिंबल मतलब ये डिवाइड का सिंबल है, यानी ये मतलब नहीं कि इसको डिवाइड किया गया, ठीक है, कुछ सिंबल है, इसको 11 से किया है तो हो गया। अब 11 कैसे होगा, 45 डिवाइड 11, ये 11 से तो ये डिवाइड होगा नहीं, बट 7 कैसे आएगा, इसको हम लोग डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह से समझते हैं, 4 और 5 दोनों का सम कितना होगा, 9, राइट, 1 इसका दोनों का 2। अब बीच में अगर हम माइनस लगा दे रहे हैं तो 7 हो जाएगा, सही तो हो गया। इसी तरह 59 है, यानी इसका मतलब हो जाता है 14, ये है 4 3 4, यानी इसका मतलब हो जाएगा 7, यानी 14 माइनस 7 इज इक्वल टू 7, एप्लीकेबल, इट इज़ एप्लीकेबल। तो यानी हम लोग तीसरा ऑप्शन में भी इसे हम लोग पुट कर सकते हैं, यानी 5 5 बोले तो 10, यहाँ पे 4 है, तो अगर हम 10 में से 4 घटाएंगे तो 6, वेरी इजी, 6 माई आंसर। अब नेक्स्ट देखते हैं, 10 नंबर सवाल बोल रहा है कि इसको जो फिगर है उसको कंप्लीट पैटर्न के हिसाब से कंप्लीट कीजिए, यानी मेरा कुछ इस तरह से होना चाहिए था, ठीक है, तो इसका आंसर होगा सी, सिंपल। 11 नंबर देखते हैं, 11 नंबर बोला है कि ये एक क्यूब है जिसका अगर हम इसे अनफोल्डेड क्यूब को अगर हम लोग क्यूब में बदलेंगे, इसको अगर हम लोग क्यूब में बदलेंगे तो कौन सा क्यूब नहीं बनेगा चारों में से, तो एक बेसिक तरीका बता देते हैं, ये इसके अपोजिट होगा, यानी ये अगर इसका फेस ऊपर होगा तो ये उसका नीचे होगा, ये अगर ऊपर होगा तो ये नीचे होगा, ये ऊपर होगा तो ये नीचे होगा, यानी इससे हमें क्या पता चला कि जब ये होगा ये वाला होगा तो ये मेरा तस्वीर में नहीं दिखना चाहिए, अगर ये होगा तो तस्वीर में मेरा ये नहीं दिखना चाहिए, अगर ये होगा तो इसका तस्वीर में दिखना पॉसिबल नहीं है, राइट, यही तो तरीका है। तो हम लोग देखते हैं, ये है मल्टीपल, ये है प्लस, ये प्लस है, यानी ये अपोजिट में नहीं है, ये होता अपोजिट, इसका अपोजिट ये होता, इसका प्लस का अपोजिट ये प्लस होता, तो ऐसा तो है नहीं, स्क्वायर का अपोजिट ये होता, बट ये ऐसा है नहीं, यानी ये स्क्वायर हो सकता है, मे बी हो सकता है, ठीक है, ये होगा भी, हो भी सकता है, ठीक है। अब इसमें देखो प्लस 4 है, यहाँ छोटा स्क्वायर प्लस है, भले सर्कुलर प्लस है, यहाँ पे हेक्सागोनल है, तो यहाँ 4 है, 4 के अपोजिट स्क्वायर है, स्क्वायर है इसमें नहीं है, यानी हो, ठीक है, इसके अपोजिट में है प्लस, यानी प्लस इसमें नहीं है, चलो ठीक है, हेक्सागोनल है तो इसका अपोजिट में है प्लस, ये भले स्क्वायर तो स्क्वायर नहीं है, यानी ये भी ठीक है, सही सही। फिर प्लस है तो प्लस का अपोजिट होता है छोटा स्क्वायर प्लस, सर्कुलर प्लस, सर्कुलर प्लस इसमें नहीं है, यानी चलो ठीक है। मल्टीपल है, मल्टीपल का अपोजिट 4 होता है, ये अपोजिट में नहीं है, यानी ये ठीक है। हेक्सागोनल का अपोजिट में ये भी नहीं, ये भी हो सकता है। इसमें देखते हैं प्लस है, ये है
छोटा प्लस यानी स्क्वायर प्लस और छोटा प्लस यानी सर्कुलर प्लस, ये दोनों दिख रहा है तस्वीर पे, बट इसके अपोजिट में ये होना चाहिए, यानी ये ऊपर होगा तो इसको नीचे होना चाहिए था डाउन, बट ऐसा है नहीं है ना, तो यानी ये फिगर गलत है, यानी ये फिगर नहीं हो सकता। अब 12 नंबर क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि हाँ आप डिक्शनरी के हिसाब से इसको सजाएं, तो सबसे पहले डिक्शनरी को यूज़ किया होगा तो बता देगा ई एक्स ए बोल के, मतलब आगे हम लोग को ए ए ए ए इस तरह खोजना पड़ेगा, फिर ए ए बी खोजना पड़ेगा, फिर ए ए जेड खोजना पड़ेगा, डिक्शनरी में इसी तरह से होता है, फिर ए बी होता है, फिर ए सी होता है, फिर ए जेड होगा, फिर बी ए होगा, इसी तरह से सब लाइन से सीखे से था, उसी तरह हमको खोजना है। तो सबसे पहला में देखा जाए ई एक्स ए है भाई, ई एक्स ए ये है, ई एक्स है यहाँ पे, ई एक्स है यानी तीनों में से एक होगा। अब फिर तीसरा लाइन धरते हैं सी है, इसमें इसमें भी सी है, इसमें भी सी है, चलो ठीक है। फिर उसके बाद देखते हैं यहाँ टी है, इस पर भी टी है, इस पर ई है, यानी ये मेरा फर्स्ट होगा, ठीक है। और फिर अब ये दो को बचा तो टी के बाद इसमें एल है, इसमें एस है, यानी वन के इसके बाद ये इसका बारी होगा क्योंकि आगे एल है तब एस, यानी ये तीन नंबर होगा। अब इतने पे खोजेंगे तो हमको शायद मिल जाएगा, चार एक थ्री हो जाएगा टू पे और वन हो जाएगा थ्री पे, यानी मेरा ये आंसर सही लग रहा है, ठीक है, ईजी है। तो अब नेक्स्ट देखते हैं, बोल रहा है कि इस पेपर में हिडन इमेज कौन सा है, यानी ऐसा इमेज किस में है, ये साफा दिख रहा है यहाँ पे है, ठीक है, ये मेरा आंसर ही सही। अब इसमें देखते हैं 14 नंबर सवाल, इसका एक तरीका हम बता दे रहे हैं तुम लोग को, साइज बोल के दिया है, एस आई जेड ई साइज, ठीक है। इसमें तरीका एक क्या होता है स्पीड में मारने का जल्दी जल्दी, कि कोई ज़्यादा खोजने का झमेला ना हो, एस सिर्फ इसमें है, फाइव से लेकर नाइन के मैट्रिक्स में ही एस है और जेड है, एस है और जेड है, यस, इसमें एस नहीं है, इसमें जेड भी नहीं है, इसमें आई है और ई है, इसमें आई और ई है, इसमें एस है और जेड है, यानी जब एस का पोजीशन ये है, ये है, ये है, ये है, यानी एस का पोजीशन हमेशा भरा होगा फाइव और सिक्स, फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, ये पांच को होगा, पांच हो गए, फाइव से लेकर नाइन तक होगा। इसमें 34 है यानी ये नहीं होगा, ये 42 है यानी ये नहीं होगा, 03 है यानी ये भी नहीं होगा, बचा 95, तो डायरेक्ट हमको आंसर मिल गया 95, यानी ये आंसर सही होगा 100%, एक बार मिला के देख लीजिए, नहीं तो ऐसे करके देख लीजिए, जैसे भी आपको हमको लगेगा कि नहीं तीनों बड़ा है, जेड पे ट्राई करके देखिए, जेड वाला पोर्शन पे, यानी ये वाला पोर्शन 59, इस पे देखो ये यहाँ पे 59 है, यानी 5 6 7 8 9 में से ही है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो तीनों आपको मिल रहा है। बट ऐसा खोजिए जिस पे आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत ना हो, टाइम इट इज़ लिमिटेड एंड योर क्वेश्चन इज़ अनलिमिटेड, तो कम से कम 100 रहता है, तो एग्ज़ाम में टाइम बचाना ही पड़ेगा, यहाँ से बचाइएगा तब ना वहाँ पे कम, मैथमेटिक्स में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मिलेगा आपको। 15 नंबर सवाल देखते हैं, नंबर क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे एक स्क्वायर है, यहाँ पर एक स्क्वायर है, यहाँ पे कुछ सिंबल दिए हैं और यहाँ मिरर है, बोल रहा है इस मिरर में अगर हम इस सिंबल को देखेंगे, पूरे स्क्वायर को देखेंगे किस तरह दिखेगा, तो हम लोग जानते हैं इस आर को अगर हम लोग मिरर में देखेंगे तो कुछ इस तरह का दिखेगा, तो उसका जो पोजीशन है लोकेशन वो तो चेंज होगा, जैसे सम लाइक इस तरह हो जाएगा, सम लाइक इस तरह से होगा, यहाँ पे आर लिखा जाएगा, यहाँ पे इस तरह से सी भी उल्टा हो जाएगा, आर के जगह पे सी भी उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे परसेंटेज है तो इस तरह से परसेंटेज भी चेंज हो जाएगा, यानी इस तरह से हो जाएगा, यानी पूरा कुल टोटल देखने से हमें कुछ इस तरह का दिखेगा, इस तरह का, यानी इसका फेस जोन है इस मिरर के, इसको अगर हम लोग मिरर के सामने रखेंगे लोग, तो मिरर पे कुछ इस तरह का
पोजीशन बनेगा, क्योंकि सी आर ऊपर में है तो आर भी यहीं पे होगा, सी नहीं होगा, परसेंटेज नहीं होगा, यहाँ परसेंटेज नहीं होगा। एलिमिनेशन नोट से हम लोग बना सकते हैं, यह इसे ही दिख रहा है, समझ में आ जाएगा। 16 नंबर सवाल थोड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको देखते हैं। चार डब्बा है, फोर बॉक्सेस, एक का 70 केजी है 17, एक का 50 केजी है, तीसरा का 30 केजी है और चौथा का 19 केजी है। बोला अगर इस तीनों चारों को अगर हम लोग अलग अलग कॉम्बिनेशन से, कोई भी कॉम्बिनेशन से अगर हम लोग यहाँ पे कॉम्बिनेशन से इकट्ठा करते हैं लोग, तो उनका सम का किलो कोण नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम समझा रहे हैं, समझ जाइए, 70 केजी और 50 केजी इज इक्वल टू 120, राइट। अब 90 केजी, इसमें अगर 120 में 90 जोड़िएगा तो 21 केजी होगा, यानी इट इज़ एप्लीकेबल, 120 हो जाएगा। अगर इसमें हम 30 जोड़ दे रहे हैं तो कितना हो जाएगा, 240 हो जाएगा, यानी ये भी है, ये भी इस कैटेगरी में, हाँ। यानी फॉर एग्जांपल बटखारा समझ लेते हैं हम, बटखारा होता है तो वजन करने के लिए 70 केजी का बटखारा, 50 केजी का, 30 केजी, 90 केजी का बटखारा है। हम 210 केजी वेट कर सकते हैं इस बटखारा से, दिखा दिए यहाँ पे 210 तीन को बटखारा करके। अगर हम चारों बटखारा यूज़ करते हैं तो 240 किलो का भी वजन कर सकते हैं। अगर हमें तीसरा करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल 50 केजी और 90 केजी, यानी 50 केजी और 90 केजी, 50 केजी और 90 केजी को अगर हम लोग यूज़ करते हैं तो 140 केजी, 50 90 बचा 30 केजी। अगर इसको 30 केजी के यूज़ करते हैं तो 170 केजी, यानी इसका भी वजन मेरा हो सकता है, इसका भी हो सकता है, इसका भी हो सकता है, बचा क्या 220 नहीं हो सकता। देख लीजिए, किसी को भी मिलाने से 220 का वजन नहीं हो सकता है। तो मेरा आंसर हो जाएगा 220 इज कैन नॉट बी अ टोटल वेट। अब 17 नंबर क्वेश्चन, 17 है बट खतरा नहीं है, कुछ नहीं है इसमें, तो हम सिंपल क्वेश्चन था, इसको जोड़ने से ये 120 आ रहा था। देखिए जोड़ के देखिए, 87 15 इज इक्वल टू 102, सिंपल। उसी तरह ये पूछ रहा है 25 50 इज इक्वल टू 75, सी इज अ राइट आंसर। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 18 नंबर क्वेश्चन अच्छा बना है। इसमें बोल रहा है कि 18 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि यहाँ 1 है, 3 है, 6 है, 10 है एंड 15 है, इसका बीच का डिफरेंस 1 है, 1 2 3, यानी 1 2, इसका डिफरेंस कितना है बीच का, सेंटर दोनों का डिफरेंस 2 है, इन दोनों का बीच का डिफरेंस 3 है, 3 3 6 3 3 6, अब 6 4 10 10 5 15, अब क्या होगा, 15 6 21, वेरी सिंपल 21, कुछ था ही नहीं इसमें। अब 19 नंबर देखते हैं क्वेश्चन, यहाँ पे ए जेड एफ, यहाँ पोजीशन देखिए, ए जेड, एल ओ, ई वी, जेड है, उसी तरह का बनाया हुआ था। 13 को ऊपर में लिख दो, फिर यहाँ से 13 को नीचे में लिखो, ए से लेकर एम तक, एन से लेकर जेड तक। अब यहाँ का सब ऊपर नीचे वाला देखिएगा, ए जेड, ए जेड है तो ए का अपोजिट जेड, एल का अपोजिट ओ, एल का अपोजिट ओ होता है, ई का अपोजिट वी होता है, जेड का अपोजिट ए होता है, तो इसी टाइप का ये तो हो गया। बट ए और एफ, ए एफ के बीच में 5 होता है बीच का डिफरेंस, एल क्यू का बीच का डिफरेंस 5 होता है, यानी एल और क्यू का डिफरेंस 5 होता है। उसी तरह ई वी, ई और ई के जगह पे क्या है, ई के बाद जे है, ई के बाद जे है, यानी इसका भी बीच का डिफरेंस कितना हो गया 5। और जेड और सी के बाद में देखते हैं, जेड ए बी सी, जेड के बीच में मात्र सिर्फ 3 का डिफरेंस है, 5 का है नहीं, 3 है ना, 1 2 3, तीसरा का है। तो यहाँ पे मेरा आंसर हो जाएगा, ऑड वन पूछा है, ऑड वन, तो ये सब तो दिख ही गया, इसका ऑड है।
ट्वेंटी नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसमें ए का है ए नंबर, इसमें भी ऑड पूछा है, तो ए है वन, बी है माइनस टू, थ्री है माइनस, फिर ब्रैकेट में माइनस थ्री, यानी हम लोग एक पढ़े हैं लोग प्लस माइनस माइनस, बच्चा का याद आ गया, माइनस माइनस बचपना का याद आ गया ना, माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस इज प्लस, उसी तरह ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यानी इसका प्लस थ्री, क्या प्लस थ्री नॉट माइनस थ्री, प्लस थ्री और ये है फाइव। अब बताइए पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, तो इसमें से ऑड कौन होगा, ऑब्वियसली माइनस टू, प्लस वन प्लस थ्री प्लस फाइव माइनस टू ऑड वन, सिंपल है, यानी इसका ऑड वन हो जाएगा माइनस थ्री, माइनस भले सॉरी माइनस टू हो जाएगा, इसका ऑड वन क्या हो जाएगा माइनस टू। अब 21 नंबर 21 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑड वर्ड ऑफ द गिवन अल्टरनेटिव, ये भी ऑड वर्ड बोल रहा है, बेसबॉल फुटबॉल हॉकी स्नूकर। अब इससे दो तीन भी समझ में आ जाएगा, बहुत सारे डिफरेंस हो जाएगा, सबका आंसर एक ही होगा, यही बेसबॉल, बेसबॉल इज अ नॉट अ इंडोर गेम, इट इज़ अ आउटडोर गेम, फुटबॉल इज़ अ आउटडोर गेम, हॉकी इज़ अ आउटडोर गेम, स्नूकर इज अ इंडोर गेम। और ये ऐसे भी देख सकते हैं, इसमें एक इंडिविजुअल स्नूकर खेला जाता है, स्नूकर मतलब क्या पूल, एट पूल सब कोई खेलता है, एट पूल दो टीम के बीच में होता है, एक यहाँ दो खेलता है लोग, बट हॉकी में एक टीम होते हैं, फुटबॉल में भी एक टीम होते हैं 11 प्लेयर का, उसी तरह बेसबॉल में भी टीम होते हैं, सबका एक टीम होता है, यहाँ पे स्नूकर में वैसा नहीं है, तो इसके स्नूकर ऑड वन हो गया। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि एक पेपर है कुछ इस क्लाउड टाइप का, इस तरह का क्लाउड टाइप का एक पेपर है, उसको यहाँ से फोल्ड किया गया है, इस तरह से फोल्ड कर दिया, इसको यहाँ सबको फोल्ड करके तीन होल कर दिया गया है, और फिर उस फोल्ड को खोला गया है, ओपन किया गया है, तो कुछ होल जो किया गया है उसका इफेक्ट क्या होगा पेपर पे, किस तरह का होगा, तो ये जो होल किया गया है तो यहाँ पर भी कटना चाहिए था, इस जगह पर भी कटना चाहिए था, क्योंकि वो तो अंदर फोल्ड हो रहा है, तो इसलिए उसका भी होगा, तो बचा ये और ये, इस दोनों में कटा हुआ है, बट यहाँ का पोर्शन कुछ ज़्यादा ही डिफर है, ये पोर्शन सेम टू सेम इसी तरह का दिख रहा है, यानी ये आंसर बी इज एप्लीकेबल, तो राइट आंसर इज बी। ये स्टेटमेंट का क्वेश्चन, स्टेटमेंट क्वेश्चन हम लोग गौर से देखेंगे लोग, यहाँ बोल रहा है कि स्टेटमेंट शुड स्पीड ब्रेकर्स बी बैंड, बोल रहा है स्पीड ब्रेकर बैंड होना चाहिए, ठीक है, स्पीकर स्पीड ब्रेकर होना चाहिए, ठीक है, बैंड होना चाहिए। अब आर्ग्यूमेंट क्या देखते हैं, आर्ग्यूमेंट एक क्या बोल रहा है, यस होना चाहिए, क्यों, डाटा स्पीड, डाटा शो दैट नंबर ऑफ द एक्सीडेंट इंक्रीज आफ्टर द पुटिंग द स्पीड ब्रेकर्स, डाटा बताता है कि कभी भी ज़्यादातर एक्सीडेंट होता है स्पीड ब्रेकर्स की वजह ही से एक्सीडेंट होते हैं, डाटा के मुताबिक। बट दूसरा आर्ग्यूमेंट बोल रहा है नो, इट टीच फास्ट ड्राइवर्स अ लेसन, यानी फास्ट जो स्पीड चलाने वाले होते हैं उन लोगों के लिए एक लेसन है, जो स्पीड गाड़ी चलाते हैं उन लोगों के लिए एक लेसन है कि स्पीड ब्रेकर हो और वो दोबारा ये एक्सीडेंट हो तो वो ऐसा हरकत ना करें। तो दूसरा फर्स्ट है हाँ बोल रहा है, दूसरा बोल रहा है ना बोल रहा है, तो स्पीड ब्रेकर होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ये स्टेटमेंट कंक्लूजन है, आपको जैसा लगे, हमको तो ये लगा कि हाँ स्पीड ब्रेकर के वजह से एक्सीडेंट होता है, तो फर्स्ट इज प्रेफर टू लाइफ, तो पहला लाइफ का प्रेफर करना चाहिए, तो ऑप्शन वन इज सही, एक सही है, दो यहाँ बोल रहा है एक दो दोनों सही है, दो नंबर देखते हैं बोल रहा है नो, इट टीच फास्ट ड्राइवर्स अ लेसन, अब दूसरे को सबक सिखाने के लिए हम किसी का जान तो नहीं ले सकते, सो आर्ग्यूमेंट टू हमको गलत लग रहा है, तो जिसके वजह से हमको सबसे बेस्ट यही लगा, आर्ग्यूमेंट वन इज स्ट्रॉन्ग एंड इट इज करेक्ट। 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसका थोड़ा सा समझना, यहाँ पे बोल रहा है कि ट्राइंगल इट इज रिप्रेजेंट फ्रॉम वुमेन्स स्क्वायर इज रिप्रेजेंट इन
पेंटर्स, यानी ये स्क्वायर का मतलब हो रहा है पेंटर्स। जितने पेंटर्स हैं सब स्क्वायर के अंदर में रहते हैं, ट्रायंगल के अंदर में सब वुमेंस हैं, और सर्किल रिप्रेजेंट टू अकाउंट्स। अकाउंट्स इसका मतलब होता है अकाउंट्स। इसमें जो जो पर्सन है सर्कल में, इस सर्किल के घेरा में, सब अकाउंट्स से रिलेटेड हैं। और यहाँ पे बोल रहा है कि इस रेक्टेंगल के रिप्रेजेंट टू अमेरिका, अमेरिकन। यहाँ पे जो रेक्टेंगल है इसका मतलब होता है अमेरिकन, यहाँ पे सब अमेरिकन है। आपको एग्जांपल में क्या बोला है, पूछा क्या है, क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज एन अमेरिकन। बोला है कि विच लेटर रिप्रेजेंट द अमेरिकन, जो अमेरिकन है। अब विच इज़ नॉट एन अकाउंटेंट, जो अकाउंटेंट नहीं है, अकाउंटेंट इज़ अ सर्कुलर एरिया, यानी इस सर्कुलर एरिया में जो ना हो बट रेक्टेंगल में हो, सर्कुलर एरिया में ना हो बट रेक्टेंगल में हो, यानी यहाँ रेक्टेंगल के इस एरिया में हो और सर्किल में ना हो, यानी इस एरिया में सिर्फ जी है और एच है। देखो सिर्फ एच है और जी है, यानी ये सिर्फ ये पर्सन, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा बॉम्बे, यानी बी। अब 25 नंबर एंड लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पूछ रहा है कि बताइए कौन सा वर्ड नहीं क्रिएट हो सकता है सुपर कंडक्टर के वर्ड से, यानी एस पी ओ आर टी एस, ये पांचों का पांचों वर्ड इसमें मौजूद है। एस पी यू एन टी स्पंट, ये चार पांचों वर्ड इसमें मौजूद है। एस टी ई आर एन स्टन, ये भी पांचों वर्ड मौजूद है इसमें। एस पी ई सी टी आर यू एम स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम का एम इस सुपर कंडक्टर्स में मौजूद नहीं है, यानी मेरा कैन नॉट ये हो जाएगा, कैन नॉट बी फॉर्म्ड। कौन सा फॉर्म नहीं होगा, स्पेक्ट्रम इस वर्ड से नहीं बन सकता है। और ये था जी आई का, ये था जी आई का वीडियो। 25 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन इसी तरह का हर वीक में आपको जी आई का पोर्शन का सॉल्यूशन मिल जाएगा। और जीके का भी नेक्स्ट वीडियो जीके का होगा, उसका लिंक यहाँ पे इस एरी थंबनेल में दे दिया जाएगा। और इस सारा पेपर का पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा, वहाँ से आप पीडीएफ ले सकते हैं। और ध्यान से अगर पीडीएफ में टेस्ट दे दीजिए, उसके बाद सॉल्यूशन के लिए आप इस वीडियो को देखें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड share with your friends. Thank you for watching.